तो ब्राउनी तो सो रही है सुबह सुबह 8:30 बजे। ब्राउनी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, उतना नहीं है। देखते हैं मम्मी लोग क्या कर रही है सुबह सुबह। मम्मी बना रही है ब्रेकफास्ट में आलू पराठे। और हमारा किचन जो भी बन रहा है वो आधा बन के अभी तैयार है। सो आप लोगों ने देख ही लिया सुबह सुबह हमारे घर में क्या चल रहा है। तो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अवर ब्रांड न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपको हमारे ब्लॉग्स भी अच्छे लग रहे होंगे। तो कल तो हम यहीं पे रुक गए थे और आज मेरे को बहुत मन कर रहा था आलू पराठा खाने का, तो मम्मी सुबह सुबह बना रही है। तो ठीक है, आज का दिन स्टार्ट करते हैं। आई होप हमारे ये ब्लॉग आपको बहुत 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 अच्छा लगेगा। ये है सुबह का नज़ारा, क्लियर स्काई। सुबह से वैसे बारिश तो काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, अभी तो रुकी हुई है और अभी आसमान भी एकदम क्लियर ही है। लग तो नहीं रहा होगा, बट कुछ कह नहीं सकते, कब बारिश हो जाता है पता भी नहीं चलता है। तो अभी हम लोग करेंगे ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट करने के बाद मेरे को तो बाहर भी जाना है, देखती हूँ होता है कि नहीं। मैंने काम तेल का पराठा बनाया है। ओके, थैंक यू। ले लेते हैं प्लेट। हाँ, तो आ जाओ, टिश्यू ले लो, टिश्यू। अरे टिश्यू ही उड़ गया मेरा। और साथ में हम लेंगे टमाटर की चटनी, उसके लिए चाहिए स्पून। खा के देखेंगे। तो गाइज आज हम लोग यहीं पे रुकने वाले हैं, जैसे कि लंच हमारा यहीं पे होने वाला है, तो हम जाएंगे घर अब रात को ही। तो आज स्पेंड करते हैं यहाँ पे ब्राउनी लोग के साथ सारा दिन। और बाहर तो मौसम काफ़ी अच्छा है, तो हमारा व्लॉग आप लोग देखते रहिएगा। आई नो बीच बीच में कभी कभी बोरिंग हो जाता है, कुछ कुछ दिखाने के लिए नहीं होता है, लेकिन फिर हम लोग बाहर जाएंगे, फिर आपको अच्छा इंटरेस्टिंग व्लॉग भी दिखेंगे। तो इसलिए आप सब्सक्राइब करके रख लो, जो भी सब्सक्राइब लगे, जो भी अच्छा लगे वो वाला व्लॉग आप देखते रहिए। तो गाइज मैं तो नहा के हो गई हूँ फ्रेश, और यहाँ पर मेरे कपड़े भी नहीं हैं, मतलब सब सारे नए नए कपड़े हैं। पुराने वाले जो भी घर पे पहनने वाले कपड़े होते हैं ना, मैं वो वहाँ पे ले गई थी। तो इसलिए अभी भाई का टी शर्ट एक मिला तो वो पहन ली। तो ठीक है, आज तो यहीं पे रहने वाले हैं, यहीं पे लंच करने वाले हैं। तो फिर एडी के साथ अभी मज़े करते हैं थोड़े। इतने दिनों से तो एडी के साथ हम टाइम स्पेंड करते नहीं थे, ब्राउनी आ जाती थी, अब ब्राउनी सो रही है, तो अब यहीं पर एडी के पास बैठते हैं। और कौस्तुब तो रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उसका तबीयत ख़राब है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो जब उसका तबीयत ख़राब होता है ना, तो वो ऐसे ही सारा दिन रेस्ट करता है, फिर जल्दी से वो ठीक हो जाता है, फिर उसका भाग दौड़ तो चल जाता है। एक जगह पे तो वो बैठ के रह नहीं सकता है। इवन मैं भी, मुझे भी ऐसे घर पे बैठ के रहना ना एकदम नहीं पसंद है। मतलब मेरे पास कोई काम भी ना हो ना, फिर भी मैं बाहर जाके थोड़ा मतलब ऐसे ही घूमने जाऊँगी, वॉक करूँगी, विंडो शॉपिंग करूँगी, या फिर कुछ कुछ इंटरेस्टिंग काम करूँगी, उसी में मेरे को अच्छा लगता है। मेरे को ऐसे सारा दिन घर पर बैठे रहूँ ना, तो एकदम मैं पक जाती हूँ। तो ठीक है, अभी तो घर पे ही रहना पड़ेगा क्योंकि बारिश हो रही है, बारिश में तो हम ऐसे कुछ कर नहीं पाते हैं। तो अभी बारिश में हम बाहर कहाँ ही जाएं, तो इसीलिए घर पे रहना पड़ेगा। तो ठीक है, तो ब्लॉग मतलब घर का ब्लॉग ही आप लोग को भी देखना पड़ेगा, और तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो मेरा एक इम्पॉर्टेंट कॉल आ रहा है, मैं रिसीव कर लेती हूँ, आप लोगों से बात करूँगी बाद में। तो आज इतने दिनों बाद घर पर बना रही हूँ मैं मिल्क टी, लेकिन मैं पीऊँगी नहीं, मिल्क टी मुझे सूट नहीं करता है, मैं कभी कभी पीती हूँ।
तो ये भाई मम्मी लोग के लिए बना रही हूँ, और पीछे हम लोग का किचन थोड़ा बहुत रेडी हो रहा है, लेकिन हाफ रेडी में ही मम्मी ने सामान रख दिया है क्योंकि सामान रखने के लिए और कोई जगह नहीं है इसलिए। तो ये है मेरी दूध वाली चाय। तो गाइज अभी हो गया है पावर कट, हम लोग सोचे थे टीवी देखते देखते खाएंगे, लेकिन अभी हमें बस ऐसे ही खाना पड़ेगा डाइनिंग टेबल पे बैठ के। तो भूख लग गया है, तो आज खाने में है, दिखाती हूँ आपको, ऐसे बोल नहीं सकती, बोल के आप समझोगे भी नहीं, तो इससे अच्छा है आपको दिखा के खाए सो दैट आप लोग देख भी पाओ और हमें हमारे व्लॉग इंटरेस्टिंग भी लगे। तो खाने में है फ्राइड राइस, चने की सब्जी और तड़का। तो जल्दी से खा लेते हैं फिर आपसे बात करते हैं। वहीं पे भी सूजी है, सूजी का हलवा। और पावर तो अभी तक आया नहीं है, तो एडी तो एसी के बिना पूरा। तो बड़ी मम्मी जो इतना टेस्टी सूजी का हलवा बना रही है, तुम क्या खाओगे? हाँ वही तो, बना तो तुम्हारे लिए रही है, सब कुछ तो उसके लिए आज तक आजकल बनता है, हमारा तो कुछ नहीं है ना। वैसे मैं जो इतना सारा लंच की हूँ ना, पूरा पेट भरा हुआ है मेरा, तो कैसे खाऊंगी पता नहीं। तुमको लड़का होते जन्म लेना था। क्यों, लड़कियाँ ज्यादा नहीं खाती? तुम बोलना चाहते हो अच्छा। तो बड़ी मम्मी अभी बुला रही है, अभी हलवा बन चुका है, अब उसका बस गार्निश करना बाकी है। थोड़ा सा पिस्ता, थोड़ा सा पिस्ता दूंगी इसके ऊपर, थोड़ा सा मैंने पहले थोड़ा सा बादाम डाला, अभी मैं थोड़ा सा और बादाम डालूंगी कटा हुआ। पहले मैंने थोड़ा सा साबुत बादाम डाला था छिलके के बगैर, अभी छिलके वाला बादाम डाल रही हूँ। अच्छी बोल में देते हैं क्योंकि फिर तुमको, यस क्योंकि फिर वाइट वाला ही दे क्योंकि तो आइसक्रीम वाला। तो अब इस बोल में हम डालेंगे क्योंकि स्टील की बोल में इतना अच्छा फोटो नहीं आएगा, और आपको वीडियो में भी कुछ खास अच्छा दिखेगा नहीं। मैं तो थोड़ा चेखा, ये है फौजी का हलवा, फौजी का हलवा बनाए हैं। ओके अब ये खाएंगे। हाँ ये तो वो अभी इतना गर्म है, तुम खा नहीं पाए। तो गाइस देखिए, आप लोग के ब्लॉग के लिए हम लोग इतनी अच्छी बोल में खा रहे हैं सूजी का हलवा, नहीं तो हम स्टील में खाते थे क्योंकि ताकि वीडियो में अच्छा दिखे और फोटो देखे। दान को देखो गरम गरम है, लेकिन जल्दी से मुंह में डालना है। अच्छी, और तो अभी हम खाएंगे ये। कैसा लग रहा है? बाहर तो नाटक करते हो, बाहर तो खाते नहीं हो, जस्ट बिकॉज बड़ी मम्मी बनाई है तो तुम ना नहीं कर पाए, तो तुम ऐसे खाए? मैंने ये बनाई है सिर्फ तो
तो ये है कौस्तुभ का सेकंड राउंड, फर्स्ट वो खा चुका है, अभी वो सेकंड राउंड खा रहा है। ये बना तो बहुत टेस्टी है, पर मैं बहुत सारा लंच कर ली तो इसलिए मैं ज़्यादा खा नहीं पा रही हूँ, पर बहुत टेस्टी है। ब्राउनी टाटा, हम जा रहे हैं, बाय। तो अभी हम जा रहे हैं थोड़ा बाहर, थोड़ी सी वॉक भी हो जाएगी, वॉक तो नहीं, स्कूटी में जा रहे हैं, तो बस ड्राइव राइड और थोड़ा पानी पूरी भी खाएंगे, मन कर रहा है खाने का चटपटा कुछ। शाम को ना ऐसे पानी पूरी खाने का काफ़ी मन करता है, पता नहीं क्यों, ऐसे अंदर से कुछ कुछ क्रेविंग्स होता है कुछ भी खाने का, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलरली पानी पूरी, कभी कभी पानी पूरी, कभी समोसा, कभी मैगी, कभी चाउमीन, बहुत कुछ, मतलब मैं बहुत खाती हूँ, तो वही अब खाने जा रहे हैं। क्या हुआ, तुम क्यों आए हो अभी, मेरे पास बिस्किट नहीं है, अब मुझे ऊपर जाना पड़ेगा टू गेट बिस्किट्स फॉर यू। ओ तुम भाग रही हो, मैं बिस्किट नहीं दे रही, तो दूंगी, वापस आ जाऊँ उसके बाद, ठीक है। तो ये पानी पूरी हम घर पे ही ले आए थे और इसको बनाएंगे और खाएंगे। तो हम चिकन तो ले आए हैं और चिकन धोएगा भाई, मतलब उसको मैंने बोला है धोने के लिए, क्योंकि चिकन मेरे से नहीं धोया जाता है, तो भाई को ही मैंने ड्यूटी दिया है, वो धोएगा। और मम्मी कर रही है, मम्मी गार्लिक छील रही है, तो लहसुन छील देगी, उसके बाद आलू फ्राई करेंगे, आलू के साथ ही हम चिकन बनाते हैं, हम पूरा बंगाली स्टाइल चिकन बनाते हैं जो मुझे तो बहुत पसंद है, तो वही आज बनेगा और वही हम लोग खाएँगे। काफ़ी अच्छा मेरा फ़ोन स्टैंड बन गया है सामने, तो मैं आप लोगों से अच्छे से बात कर पाऊँगी। तो आज बहुत कुछ स्पेशल बना, बड़ी मम्मी दोपहर को कौस्तुभ के लिए सूजी का हलवा बनाई, फिर अभी मैं बनाऊँगी चिकन, तो बहुत मन कर रहा था, अभी काफ़ी सारा टाइम है मेरे पास, अभी 7:15 बजा है, तो डिनर का चिकन आराम से प्रिपेयर हो जाएगा इतने टाइम में, काफ़ी जल्दी हम चिकन ले भी आए हैं, तो आराम से बनाते हैं और आपको दिखाते हैं। और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, उसके बाद आप लोग देखो। अभी मैंने सारी अनियन, पोटैटो, फिर जिंजर गार्लिक पेस्ट, टोमेटो पेस्ट, ये सब करके रख दिया है, आपको एक बार दिखाती हूँ। तो ये पोटैटो भी हाफ हाफ काट लिए, ये अनियन चॉप कर लिया, और टोमेटो प्यूरे, और जिंजर गार्लिक एंड चिलीज। आज वैसे एक फनी बात, टोमेटो काटते काटते मैं सोच रही थी कि इसमें टोमेटो ऐड करूँ कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे टोमेटो का जो प्राइस है, मतलब वो इतना बढ़ा हुआ है कि हम सोचे हैं कि सब्जियों में टमाटर डालना बंद कर देंगे, मतलब इतने सारे, तो सोच रहे थे कि एक डालूँ कि दो डालूँ, मतलब इतने एक्सपेंसिव है, तो ठीक है दो डाल दिए मैंने आज चिकन में, कि चिकन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, उसमें अच्छे से ही डालेंगे, लेकिन बहुत महंगे हो चुके हैं, सारी सब्जियां महंगी हो चुकी हैं आज, मैंने बस अदरक लहसुन और धनिया पत्ता और लेमन लिया था, तो उसी में मेरा 85 रुपीज़ हो गया था, मतलब काफ़ी ज़्यादा। ये हो रहा है तेल गरम, इसमें आलू को फ्राई कर लेंगे, उसके बाद भाई चिकन धोएगा, फिर तो चिकन बनेगा, चिकन बनने में थोड़ा टाइम है। आलू फ्राई भी हो चुके हैं, अब भाई चिकन धोएगा, उसके बाद सारा प्रोसेस स्टार्ट करो। फाइनली लल्लू ने चिकन को वॉश कर दिया है, अब इसको मैरिनेट करते हैं, पहले डालेंगे इसमें मस्टर्ड ऑयल, थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, तो
सारे मसाले जैसे कि हल्दी, कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और डाल देते हैं और डालेंगे खूब सारा कश्मीरी रेड चिली पाउडर। हो गया सारे मसाले डन। अब इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक और चिली का पेस्ट। फिर इसमें डालेंगे थोड़ा सा कर्ड, और मैं तो एक नींबू भी डालती हूँ, मुझे पसंद है इसीलिए थोड़ा सा नींबू, आधा नींबू मैं यूज़ करती हूँ इसमें। अब इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। तो अभी गरम तेल में डालेंगे सारे मसाले, गरम मसाला का बॉक्स ये रहा, इसमें रहते हैं हमारे सारे गरम मसाले। लगेगा आपको आइसक्रीम है लेकिन इसमें होगा धोखा। इलायची, कार्डमम, काफी सारे लौंग और पेपर, ये डालेंगे, ये अच्छे से फ्राई होगा। फिर इसमें डाल देंगे ये सारे अनियन, तो अब अनियन हो गए हैं थोड़े फ्राई। इसमें डाल देंगे ये जिंजर गार्लिक पेस्ट जितना भी बचा हुआ है। अब इसमें डालेंगे हल्दी, थोड़ा सा ही हल्दी है तो ऐसे ही डाल देते हैं, और कश्मीरी रेड चिली और जीरा और थोड़ा सा धनिया, जीरा थोड़ा ज़्यादा, अच्छे से इसको फ्राई करना। अब डालेंगे ये टमाटर, तो फाइनली मैंने चिकन डाल दिया है, मसाला भून चुका था। अब इसको तो फाइनली मेरा चिकन बन चुका है, टाइम भी 9 बज गया है, डिनर टाइम हो गया है, तो जल्दी से जाके डिनर कर लेते हैं। काफ़ी टेस्टी टेस्टी यम्मी यम्मी खाना खाएंगे आज हम। चिकन जो लग रहा है आज, जो टेस्टी, मतलब नेक्स्ट लेवल सुंदर दिख रहा है, और खाने में तो टेस्टी होगा ही जैसे कि लग रहा है। इसको अब लेते हैं राइस के साथ, एक आलू लेते हैं, तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर, घर जाके रेस्ट करेंगे। तो गाइस फाइनली हम लोग आ गए हैं घर, और अभी समय हो रहा है 10:10 बजने वाला है। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप हमारा ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो डू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और खूब सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, बाय।
तो अभी हम बना रहे हैं चाय, बहुत दिनों बाद मिल्क टी।